इस बार हम आपके लिए लेकर आए हैं एसेप्टिक कैबिनेट्स। एसेप्टिक कैबिनेट्स बेसिकली ये भी ज़्यादातर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ या फिर हम कुछ एसेप्टिक प्रिपरेशंस जहाँ पर होती हैं या कुछ स्टराइल कंडीशंस के केसेस में हम इन एसेप्टिक कैबिनेट्स का इस्तेमाल करते हैं कि हमें कोई चीज़ स्टोर करनी है या हैंडलिंग करनी है या प्रोसेसिंग ऑफ हैजार्डस या टॉक्सिक सब्सटेंस के लिए हम यहाँ पर बेसिकली इन एसेप्टिक कैबिनेट्स का इस्तेमाल करते हैं। और मेन पर्पज़ यही होता है कि हम जो हम किसी चीज़ को स्टोर करना चाहते हैं कुछ समय के लिए, या जैसे हम इसको इन्वायरमेंट्स में रख रहे हैं कि हमें 24 घंटे उसको स्टोर करना है, तो हम कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के आधार पर हम यहाँ पर इसमें चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं, या हम कुछ हैंडलिंग करना चाहते हैं भारी इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करके, तो उस इस प्रकार के सेप्टिक कैबिनेट्स का हम इस्तेमाल करते हैं। कुछ या ऐसे हैजार्डस मटेरियल्स हो सकते हैं जिसकी वजह से हमें हेल्थ को नुकसान हो सकता है, या हम अपनी प्रोपोर्शन को ध्यान में रखते हुए या प्रोडक्ट क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए हम एसेप्टिक कैबिनेट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे इस प्रकार के एसेप्टिक कैबिनेट्स हम इसमें यूज करते हैं। तो बेसिकली ये हमारा प्रोडक्शंस जो डिज़ाइंस है प्रोडक्शन या लार्ज स्केल्स रिसर्च एप्लीकेशंस बेसिस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसी प्रकार से हम इन चीज़ों का इस्तेमाल हम अपनी कुछ भी हैंडलिंग के लिए या स्टोरेज करने के लिए हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जो बेसिकली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत कॉमन्स है, या जहाँ पर हम इंजेक्शन प्रिपरेशंस होती हैं या कुछ इंजेक्शन की टेस्टिंग्स वगैरह होती हैं, तो माइक्रोबायोलॉजिकली में ये बहुत आम चीज़ें हैं और ये बहुत ही देखने को कॉमन सी वहाँ पर मिल जाती है जो एसेप्टिक कैबिनेट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये पर एसेप्टिक कैबिनेट है, आप लोग देख सकते हो कि इसमें हम दोनों साइड से हैंड का इस्तेमाल करके इसमें मेरी स्टाइल ग्लव्स के साथ हम इसमें वर्क एक्टिविटी कर सकते हैं और बेहतर क्वालिटी के साथ यहाँ पर काम किया जा सकता है। ये एसेप्टिक कैबिनेट्स बेसिकली इन्हीं पर्पज़ के लिए बनाया गया है। तो आपको अगर हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए। धन्यवाद।